जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक मेडिसिन पर। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनानी खमीरा, जिसका नाम है खमीरा नुकरा। तो दोस्तों, हम इस खमीरा की बात करेंगे जो कि दिल और दिमाग के लिए बहुत ही लाभदायक खमीरा है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो खमीरा है वो बहुत ही बजट में है, यानी आपके बजट में आने वाला है और बहुत सस्ता खमीरा है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लगातार देखते रहिए, पूरी जानकारी लीजिए और जानिए खमीरा नुकरा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये किस तरह का मेडिकेशन होता है यूनानी मेडिसिन, और कब कब यूज़ किया जाता है, कौन कौन इसको ले सकते हैं, कैसे यूज़ करना है, डोजेस क्या रहेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक इसको देखते रहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस खमीरा के MRP बताऊंगा, जो कि काफ़ी बजट में है और बहुत ही सस्ता खमीरा है दोस्तों, सदर लेबोरेटरीज़ के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए, वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि ये जो खमीरा है इसका क्या क्या यूज़ और बेनिफिट्स है। दोस्तों, ये सदर लेबोरेटरीज़ के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक मुकव्वी आम खमीरा है। मुकव्वी आम का मतलब कि जनरल जो टॉनिक है पूरे शरीर के लिए। अगर हम इसके मेन बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों, ये मुकव्वी आम है पूरे शरीर के लिए, एक जनरल टॉनिक का काम करता है और ये ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है, यानी हमारे दिल और दिमाग के लिए बहुत कारगर है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके दिल और दिमाग के लिए दोस्तों, इसीलिए इसको कार्डिक टॉनिक भी कहा जाता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ब्रेन और हार्ट के लिए दोस्तों। जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस का स्टाफ होता है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, या कोई भी ऑफिस चलाते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, तो क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, अपना वर्क का टेंशन रहता है। जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, स्टडी वगैरह का, और इससे क्या है कि वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिससे उनका ब्रेन जो है कमज़ोर होने लगता है। साथ ही हार्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो किसी को हाइपरटेंशन वगैरह हो जाता है, BP अप डाउन रहता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो या कोई पेशेंट हो, जो कि जिनका दिमाग का काम ज़्यादा रहता है, दिल का, जिनको दिल की घबराहट वगैरह हो जाती है जल्दी जल्दी, तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों के लिए ये खमीरा बहुत ही मुफीद है, बहुत ही बेनिफिट्स देता है। और इसके अलावा पूरे शरीर के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है दोस्तों, जनरल वीकनेस को ख़त्म करता है बॉडी के अंदर से। और जिनको नींद नहीं आती है, जो कहते हैं कि उनको रात रात भर नींद नहीं आती है, सारा रात जागते रहते हैं, तो इस तरह के जो बंदे होते हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। दिल और दिमाग को मजबूत बनाता है। और इसके अलावा जिनको घबराहट होती है, अचानक कोई अच्छी या बुरी खबर सुन लेते हैं तो बहुत ज़ोरों से उनका दिल धड़कने लगता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक मेडिसिन है। बहुत ही असरदार यूनानी दवा है, बहुत ही असरदार खमीरा है। और दोस्तों, इसके अलावा किसी को चक्कर आते हैं, हाइपरटेंशन है, BP की प्रॉब्लम है, तनाव है, टेंशन वगैरह लगी हुई है, साथ ही लीवर वगैरह की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा जो स्टमक है उसको मजबूत करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है दोस्तों, जनरल डायबिटीज़ को ठीक करता है, तो ये सारी जो समस्याएं हैं पूरे शरीर की, इनके लिए रामबाण औषधि है। तो गाइज, ये इसके फ़ायदे हुए, इसके फ़ायदों की हमने बात की। अब हम जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टी है वो किस तरह की है और कैसे फ़ायदा करेगी, साथ ही डोज ड्यूरेशन वगैरह क्या होगा। तो दोस्तों, ये खमीरा जो है वो सर्द खुश्क है, यानी ये सर्द खुश्क है, जिसका मतलब होगा कि ना ये गर्म कह सकते हैं इसको, ना ही इसको ठंडी तासीर वाला कह सकते हैं, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल है, कॉमन है। और इसी वजह से ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है सारी समस्याओं में। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसकी डोज़ क्या रहती है, तो दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है वो 5 ग्राम खमीरा सुबह और 5 ग्राम शाम को दूध के साथ में लेना होता है। और दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो इसको ना लें, क्योंकि गाइज इसका जो कंपोजिशन होता है, इसके अंदर में यूनानी हर्ब्स के साथ साथ शहद और शक्कर का भी यूज़ किया जाता है, शुगर वगैरह डाली हुई होती है, हनी का कंपोजिशन रहता है, तो इससे क्या है कि जो शुगर वाले यानी डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो वो ऐसे खुद से ना लें। अगर उनको ज़रूरत लगती है तो अपने हकीम या वैद्य से सलाह करें और उसके साथ ही उनकी सलाह से मेडिसिन लें, ताकि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो।
तो गाइज ये इसकी डोज की बात हो गई, बात करेंगे कि बच्चों में ये कैसे दिया जाएगा। तो बच्चों में इसकी जो मात्रा है वो 2-2 ग्राम सुबह और शाम सेम दूध के साथ देनी होती है। और इसका जो ड्यूरेशन है गाइज वो 15 दिन से लेकर 3 महीना तक हो सकता है। तो 15 दिन से लेकर 90 दिन तक इसका ड्यूरेशन रह सकता है। ये हर एक पेशेंट के केस में अलग अलग होता है। अगर पेशेंट को हल्की फुल्की नॉर्मल कमजोरी है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, तब वे इसका 15 दिन और 30 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा है और जो लगातार जो है जैसे कि ऑफिस वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ऐसे जो बंदे होते हैं वो इसका कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना। बट बीच में क्या करना है कि जैसे 2 महीना यूज़ कर लिया, उसके बाद 10-20 दिन के लिए गैप करना है, फिर यूज़ करना है, तो इस तरह से वो इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस खमीरा के कोई साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल देखने को नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे करता है। काफ़ी असरदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो गाइज इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं आते हैं। जनरली अगर किसी को मान लीजिए अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जैसे डायबिटिक हैं तो वो ना लें। अगर कोई हीमोरॉइड्स वाले पेशेंट हैं यानी पाइल्स वाले हैं और वो इसका यूज़ करते हैं और उनको लगता है कि उनके पाइल्स वगैरह जो है बढ़ने लगे हैं या प्रॉब्लम कर रहे हैं, तब इसका यूज़ खुद से ना करें। बाकी सेफ़ है, नॉर्मल पर्सन के लिए कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसको हमेशा मिल्क के साथ मिलें, यानी दूध के साथ मिले, तो इससे जो क्या है कि जो खमीरा है वो आपको अपने भरपूर फायदे करता है और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी जल्दी ठीक कर देता है। तो गाइज ये इसकी साइड इफ़ेक्ट, डोजेज वगैरह की बात हुई, यूज़ की बात हुई, साथ ही बात करेंगे कुछ सेफ्टी टिप्स की कि अगर क्या आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या सेफ्टी टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपको डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी है, फल सब्जियों का भरपूर यूज़ करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है, जूस वगैरह का यूज़ करना है, पानी ज़्यादा पीना है, सुबह शाम आपको टहलना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको इस मेडिसिन को धूल धूप मॉइस्चर वगैरह से बचाना है, सनलाइट से बचाना है ताकि ये ख़राब ना हो, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, और जो प्रेग्नेंट महिला है उनको खुद से कभी भी ना दें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रेग्नेंट महिला को नुकसान दे सकता है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, सारे वार्निंग्स को ध्यान में रखते हैं, तो ये जो मेडिसिन है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल जाते हैं और साथ ही आपकी जो समस्या है वो जल्दी से ठीक होने लगती है। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में इस खमीरा नुकरा के बारे में एक जानकारी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे और जानकारी काम की लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यूनिक मेडिसिन परिवार का हिस्सा बने। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। सेफ रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।